अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो यहाँ हम आए थे अजमान, और ये फेस्टिवल लैंड है, इसको फेस्टिवल सिटी भी बोलते हैं। तो मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि हम यहाँ गए थे और बहुत अच्छी जगह है, फ्री एंट्री है। तो हमने सोचा चलो यहाँ चलते हैं, संडे को बच्चे भी बहुत बोर हो रहे थे तो हम यहाँ लेके आ गए। तो इतना अच्छा बना हुआ था ये पाथवे, और आसपास बहुत सारी राइड्स थी, और ये साइड पे तो वो विंटर वंडरलैंड पूरा बना हुआ था। इतना अच्छा था कि जो है वो बच्चों के लिए राइड्स थी अंदर, और पूरा वाइट उन्होंने बिल्कुल ऐसे जिस तरह विंटर वंडरलैंड होता है, जैसे स्नो पड़ी हो साइड्स पे, वैसे बनाया हुआ था। बहुत एंटरटेनिंग जगह थी, मस्ट विज़िट है, बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम लोगों ने तो इन्जॉय किया, बच्चों ने स्पेशली बहुत इन्जॉय किया। फिर जी ये टर्किश आइसक्रीम और टर्किश एक स्टॉल नज़र आ गया जी बच्चों को, तो आइसक्रीम तो मस्त थी, ऊपर से टर्किश आइसक्रीम। तो जी मेरी बेटी ने ज़िद करना शुरू कर दी आइसक्रीम की, और यहाँ पे जो वो करते हैं अपना आर्ट और वो जो एंटरटेन करते हैं वो कर रहे थे, लेकिन वो तो फेंड हो रही थी। वो कह रही थी भाई जी मुझे आइसक्रीम क्यों नहीं मिल रही। उसके बाद हम बैठ गए थे कुछ खाने पीने के लिए, बच्चों को भूख लग गई थी, तो मुझे स्पाइरल पोटैटो खाने का दिल कर रहा था, तो मैंने अपने लिए वो ऑर्डर किया, और बहुत ही यमी और टेस्टी था। इसके बाद यहाँ अंदर एक मॉल और ना मार्केट सी बनी हुई थी, तो हम उस साइड पर जा रहे थे देखने कि उसके अंदर क्या है। तो जब मैं वहाँ गई तो वहाँ तो इतनी ज़बरदस्त चीज़ें, ज्वेलरी और कपड़े, हर चीज़ थी, हर चीज़ अवेलेबल थी वहाँ पे ना। रेट्स थोड़े मुझे ज़्यादा लग रहे थे उनके, और ज्वेलरी मुझे इतनी खास को पसंद नहीं आई। तो वैसे तो बहुत अच्छी थी ज्वेलरी, लेकिन मैं उस स्टाइल की पहनती नहीं हूँ, तो मैंने फिर वो स्किप कर दी, मैंने नहीं ली। लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, परफ्यूम्स, कपड़े, बच्चों के कपड़े, और सबसे बेस्ट तो वन धर्म शॉप थी वहाँ पर। यहाँ से ज्वेलरी देखने के बाद फिर ये बाए थे, ज्वेलरी थी, बच्चों के कपड़े, हर चीज़, जूते भी थे। खैर मैं बहुत बड़ी मार्केट थी, मैं तो इतने एक्सप्लोर नहीं कर सकी अंदर, बल्कि फर्नीचर की भी एक मार्केट थी, और आप लोग जाएं तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ये वन धर्म शॉप थी, यहाँ पे टॉयज़, वो कॉस्मेटिक्स, बहुत सारी आइटम्स थी, मल्टीपल 1 to 10 धर्म शॉप आप कह सकते हैं थी। तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने, हम ज़रा रात के टाइम गए थे तो इतनी मैंने मार्केट एक्सप्लोर नहीं की, बस हल्का सा एक राउंड लगाया। अंदर अंदर जाते जाएँ तो बहुत बड़ी मार्केट थी, फर्नीचर भी था और बाकी हाउस होल्ड आइटम्स की अलग शॉप्स थी, बहुत बड़ी जगह थी ना। तो आप लोग जाएँ तो ज़रूर इसको एक्सप्लोर करें। रेट्स मुनासिब थे, मतलब जो आम डिस्काउंट सेंटर और डे टू डे पे मिलती हैं चीज़ें, तकरीबन वही रेट्स थे। और इंडियन ड्रेसेस भी थे, पाकिस्तानी ड्रेसेस भी थे, लेकिन थोड़े से एक्सपेंसिव थे, ये 50 to 60 की रेंज में थे, खाली शर्ट्स थी ये। तो बाकी मुझे तो, मैंने तो ख़ास कोई शॉपिंग यहाँ से नहीं की, बस एक परफ्यूम लिया था, फिर हम लोग निकल आए थे क्योंकि बच्चे भी तंग हो रहे थे। तो वैसे अच्छी जगह है, दिन टाइम अगर जाएँ आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो बंदा एक्सप्लोर कर सकता है, अच्छी मार्केट है।